की हत्या हो रही है। ये नदियां उड़ाई जा रही बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को। बीजेपी को कभी माफ नहीं करेगी ये जनता। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं कीर्ति लेकर हाजिर हूं बड़ी चर्चा। उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख चुनाव में जमकर हिंसा हुई। 75 जिलों में गुरुवार को ब्लॉक प्रमुख के इलेक्शन की नामांकन प्रक्रिया शुरू हुई थी। 15 से ज्यादा जिलों में गोली चलने, बम चलने, मारपीट होने, अपहरण की कोशिश करने, विरोधी के नामांकन पर्चे को छीनने, पत्रकारों पर हमले की हिंसक घटनाएं सामने आई। हर जगह बस पुलिस मूक दर्शक बनी देखती रही। एक आध जगह पर पुलिस ने हिम्मत दिखाकर जमीन पर लाठी तो पटकी, लेकिन उनकी आवाज शायद उपद्रवियों के बम और बंदूक की आवाज तले ही दब गई। डीजीपी और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के उस ऑर्डर का आखिर क्या फायदा जिसमें शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न कराने की बात कही गई थी। देश का लोकतंत्र एक बार फिर शर्मसार हुआ है। एक बार फिर हमारे सिर शर्म से झुक गए। आखिर कहां चला गया सीएम योगी आदित्यनाथ का उत्तम प्रदेश और अपराध मुक्त का वादा, जिसके दम पर वो फिर से सत्ता की चाबी पर अपनी हुकूमत के कसीदे पढ़ते हैं। दरअसल वादे हुक्मरान कर तो देते हैं, लेकिन उन वादों और उन दावों की पोटली बनाते हैं अधिकारी, और फिर उस पोटली को बनाकर उसे शायद कहीं दफन कर देते हैं। जहां दूसरी लहर में लोगों के शवों को दफन किया गया था, या तो होगा ही, बोला तो कोई होगा नहीं, गंगा किनारे जिस तरह से हम लोगों ने दृश्य देखा शवों को दफनाने का, बस यही काम हुआ ब्लॉक प्रमुख के नामांकन के दौरान। अधिकारी पुलिस सब बस मूक दर्शक बने देखते रहे और उपद्रवियों ने उनके मुंह पर एक करारा तमाचा मार सिस्टम की वो खिल्ली उड़ाई जिसे शायद की कभी भूला नहीं जा सकता। और आप तस्वीरें जो अभी आपने कुछ देर पहले देखी थी वो भी यही बयां कर रही थी। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश की हैं। जिस तरह की हिंसा की हम बात करते हैं वो हिंसा शायद तक उत्तर प्रदेश में हमने इससे पहले कभी देखने को नहीं मिली। जिस तरह की हिंसा हमें अब देखने मिली, आप ये तस्वीरें देख लीजिए, ये कोई पाकिस्तानी नहीं है, यहां पर किसी तरह का कोई आतंक नहीं फैलाया जा रहा है, बल्कि ये उत्तर प्रदेश के वासी हैं। और ये दौर था ब्लॉक प्रमुख चुनाव का, जहां पर प्रत्याशी नामांकन पत्र दाखिल करने पहुंचे थे, लेकिन उन प्रत्याशियों के अंदर शायद तक लोकतंत्र का हनन करने का पूरा उन्होंने जिम्मा उठाया हुआ था। और इसी तरह से उपद्रव मचाया गया, नामांकन पत्र दाखिल करने पहुंची पिछड़ा वर्ग की महिला के साथ चीर हरण तक किया गया। वहीं पत्रकारों को भी नहीं बख्शा गया, कई बड़े पत्रकारों को भी, उनके ऊपर भी इस तरह से लाठी चलाए गए, घायल किया गया। वहीं पूर्व अध्यक्ष तक डरे हुए दिखाई दिए। बड़े बड़े जो लोग नामांकन दाखिल, बड़े बड़े सम्मानित लोग जब इस दौरान नामांकन दाखिल करने पहुंचे तो उनके हाथों से पर्चे छीन लिए गए, उनको अपमानित किया गया। तो ये पूर्व विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे पर भी किस तरह से कल उनके साथ उनका सम्मान को लेकर उनका चीरहरण किया गया, उनके सम्मान को दरकिनार करते हुए उनके साथ आपत्तिजनक तरीके से उनके और उनके पत्नी के साथ व्यवहार किया गया, वो भी सबने देखा। तो कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ा सवाल उठ जाता है कि भाजपा की सत्ता में जो सबसे ज्यादा महिला सम्मान की बात करती है, लोकतंत्र की बात करती है, शायद उसी सत्ता में वो कहीं ना कहीं गुम हो गया। और क्या अगर इस तरह से ही चुनाव कराना होता है, निर्विरोधी जीतना है, तो क्यों वोट कराना, क्यों लोगों के द्वारा ये चुनाव कराया जा रहा है, सीधे सीधे घोषित कर दिया जाए तो वो शायद तक ज्यादा सही लगेगा। जिस तरह से हमने लगातार देखे और आपने भी तस्वीरें देखी, तो इसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ पूर्व आईपीएस सूर्य कुमार शुक्ला जी मौजूद हैं, सपा से विवेक पांडे, साथ ही साथ बीजेपी से हमारे साथ अमित त्रिपाठी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। अमित जी, सबसे पहले मैं आपसे, आपके पास आना चाहूंगी और आपसे जानना चाहूंगी, क्या चाहते हैं आप, माफी मांगना चाहेंगे? जिस तरह के दृश्य कल ब्लॉक प्रमुख के नामांकन के दौरान हमने देखे, आपने देखे, जिस तरह से एक पिछड़ा वर्ग की महिला के साथ किस तरह से बस सुलूकी की गई, उसको लेकर सबसे पहले तो आप क्या माफी मांगना चाहेंगे या इस पर भी कोई दलीलें पेश करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं जो भी 15 जिलों में हिंसा हुई है उसके लिए मैं उसकी निंदा भी करता हूँ, साथ ही पूरे प्रदेशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जो भी हिंसा में जो भी अराजक तत्व थे उनके खिलाफ सरकार पूरी ईमानदारी से उनके खिलाफ कार्रवाई करने जा रही है। कई जगह छापे पड़े, कई जगह FIR हो चुकी है, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। और योगी जी की सरकार में लोग जानते हैं कि किस तरीके से अपराधी
दोषी कौन छोड़ा नहीं जाता, पकड़ा नहीं जाता। दोषी कौन थे अमित जी, ये बता दीजिए अच्छा, ये स्पष्ट कर दीजिए दोषी कौन थे। दोषी कौन थे? दोषी ना मीडिया तय करेगा ना भारतीय जनता पार्टी तय करेगी। दोषी को तय करेगा का काम है कानून का, कानून तय करेगा। जिस तरीके से एक मीडिया, एक थड़ा मीडिया का लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर दोषारोपण करेगा वो निंदनीय है। अच्छा, आप ये चीज मीडिया में डाल दीजिए, ये चीज आप मीडिया में डाल दीजिए। जो नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं उनसे पर्चे मीडिया ने छीने, फायदा मीडिया का हो रहा था, चुनाव मीडिया के लिए कराया जा रहा था। मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, दिखा मुझे बताइए कौन सा भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी ने पर्चा छीना, नाम बताइए आप। उसके चेहरे पर भारतीय जनता पार्टी नहीं खाता क्या? आप कैसे तय कर सकते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी? हमने तय किया, हमने आपसे पूछा कि वो कौन थे जिन्होंने ये सारा के कृत्य किए। आपने अभी चीज को अपने वक्त में कहा कि भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा भाजपा की सरकार में ये किया जा रहा है, तो ये भाजपा के ऊपर आपकी है जिम्मेदारी, आपकी थी अमित जी, सुनिश्चित आपको करना था कि शांतिपूर्वक चुनाव हो। क्यों नहीं हुआ? नहीं, अरे तो आप मुझ पर सवाल उठाने से पहले जो आप सवालों के घेरे में उसका जवाब दे लीजिए। देखिए जी, हम सरकार के नाते हमने पहले ही इस चीज को स्पष्ट कर दिया, हिंसा नहीं होनी चाहिए। हिंसा हुई है, जो भी इसमें अराजक तत्व है उनके खिलाफ पुलिस छापेमारी कर रही है, कई लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, कई लोगों को गिरफ्तारी बाकी है, बक्सा कोई नहीं जाएगा। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि केवल आपने अभी कहा, आपने जो एक एंगल देने का काम किया पिछड़ा वर्ग की महिला, मैं आपको बता दूं जिस तरीके से मीडिया में उसका नाम चल रहा है, उनका नाम है गीतू सिंह, तो वो तो पिछड़ा वर्ग की नहीं होंगी, वो तो एक स्वर्ण समाज की है, तो उसको एक एंगल जो जाति से जोड़ने का काम किया जा रहा है वो भी निंदनीय। जाति बस जोड़िए, चलिए आप जाति हटा दीजिए, एक महिला के साथ इस तरह की बदसलूकी बर्दाश्त की जाएगी क्या? लखीमपुर खीरी की महिला अगर अपना नामांकन दाखिल करने गई तो उनके साथ उनके कपड़े छीने जाते हैं, और आप बोल रहे कि पिछड़ा वर्ग से जोड़ के देख रहे हैं। तो आप तो देखिएगा, आपने इस वर्ग का प्रयोग किया है, आपने जातिवाद का प्रयोग किया है, आपने पिछड़ा वर्ग को भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, आप महिला का बताइए, महिला सम्मान की भाषा बात करती है, महिला सशक्तिकरण की भाषा बात करती है, आप उसी का बता दीजिए। देखिए मैंने आपसे पहले भी कहा, जो भी दोषी है, जिसने भी इस घटना, जो भी दोषी, अमित जी कैसे आप ये कह सकते हैं जो भी दोषी है? पुलिस बल वहां पे थी, पुलिस बल का क्या फायदा जब उस जगह पर महिला के साथ सरे बाजार इतने लोग मिलके उनका चीरहरण कर दे और पुलिस वहां पे मुख दर्शक बनी रहे, देखती रहे। देखिए मैडम, आप किसी पार्टी की प्रवक्ता करके कोई प्रश्न चीरहरण नहीं होगा था वहां पर, जिस तरीके से आपने तस्वीरें नहीं देखी शायद तक, वीडियो हम लोगों ने भी देखा है, आप एक एजेंडा सेट करके केवल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, जिस मेरा एजेंडा नहीं है अमित जी, प्लीज, ये निंदनीय गलत बात है। अगर आप करना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, आपको कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आप ये गलत बातें मत करिए। मेरा एजेंडा कभी नहीं है, जा सकते हैं, मैं किसी की प्रवक्ता नहीं हूँ, यहाँ बैठी हुई हूँ, नहीं नहीं मैं अधिकारों के लिए बोलती हूँ, जनता के अधिकारों को मैं बोल रही हूँ। एजेंडा मत चलाइए टीवी पर बैठकर, केवल योगी सरकार के खिलाफ सुपारी लेकर दूसरी तरीके का काम। अमित जी, मैं आपको फिर स्पष्ट कर देना चाहती हूँ, किसी तरह का यहाँ कोई एजेंडा नहीं चल रहा है। जो तस्वीरें हमने देखी, अगर ये तस्वीरें हमें इस तरह की ना दिखाई पड़ती तो आज ये सवाल ना उठ रहे होते। एजेंडा नहीं था तो आपने पिछड़े समाज को क्यों जोड़ा? आपने पिछड़ा वर्ग जबकि वो ठाकुर समाज से है, थोड़ा समाज से आपने पिछड़ा वर्ग का एंगल क्यों देने का काम किया? आपको जानकारी नहीं है? मतलब आप लेके बैठे थे, आप ये ढूंढ के ला रहे थे कि नहीं वो पिछड़ा समाज की नहीं है, मैं कह रही हूँ वो है। तो ठाकुर पिछड़ा समाज का है, ठाकुर जब पिछड़े समाज में आती है, मुझे बताइए जो महिला ना, आप यहाँ पर सुनिए मेरी बात, आप यहाँ पर पिछड़ा और इसको लेकर मत बैठिए, आप महिला बताइए ना, आपने पिछड़े का प्रयोग क्यों किया? आपने पिछड़े का प्रयोग क्यों किया? ये एक एजेंडा ही तो है, आप जबरदस्ती एजेंडा जोड़कर एक पत्रकारों पर हमला हुआ वो एजेंडा है, पत्रकारों पर हमला हुआ वो एजेंडा है, आप एजेंडा सेट कर रहे हैं, पत्रकारों पर हमला हुआ वो भी एजेंडा है, बात नहीं करेंगे, पत्रकारों पर हमला हुआ, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद जी पर हमला हुआ, क्या वो भी एजेंडा है? मैं आपसे कह तो रहा हूँ कि ये जो भी चीजें हुई है दुखद है। आप ये बोल लीजिए अमित जी, आप एक काम करिए ना, आप एक काम करिए, उस महिला ने भी खुद पर ही खुद ही अटैक करवाया, माता प्रसाद जी ने भी खुद पर अटैक करवाया, खुद के पर्चे को खुद ही के लोगों द्वारा छीन लिया गया, सीधे बोल दीजिए। सुनना नहीं चाह रही है या आप केवल अपनी बात? अमित जी, अगर आप सही बात बोलेंगे तो मैं बिल्कुल सुनूंगी, लेकिन आप अगर मीडिया में प्रश्न चिन्ह उठाएंगे तो मैं बिल्कुल यहाँ सुनने नहीं बैठी हूँ। आपने गलत बयानबाजी की है, मैं आपसे कह रहा हूँ, आपने गलत बयानबाजी की, आपने एक ठाकुर महिला को आपने पिछड़े वर्ग से क्यों जोड़ा, क्या एजेंडा था इसके पीछे? आपने सही जानकारी क्यों नहीं दी?
बताइए ना मुझे। मैंने सही जानकारी दी थी, सही जानकारी चलिए आप ही दे लीजिए, आप सही जानकारी दे दीजिए, मैंने नहीं दी तो आप दे दीजिए, चलिए आप जवाब दे दीजिए, हम सुन रहे हैं आपके जवाब। मैंने दे दिया, मैंने पहले ही वर्डों में ये चीज कह दी है कि निंदनीय है, इस तरीके की घटना नहीं होनी चाहिए थी, और जो भी उपद्रव ने वो किया उन पर कार्रवाई हो गई है, सरकार कार्रवाई करने का काम कर रही है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, जिस तरीके से इटावा मैनपुरी में सरेआम सपा के कार्यकर्ताओं ने गोलियां चलाई है, उस पर कोई प्रश्न नहीं उठेगा? उस पर हमारे प्रत्याशी को गोली पड़ी है, 3-3 प्रत्याशियों को गोली पड़ी है, वो घायल है, उन पर कोई बातचीत नहीं होगी? आप एक एजेंडा सेट कर देगा, कोई बात कहेंगे तो मैं उसकी खंडन करूंगा, आपके चैनल पे करूंगा। ठीक है विवेक जी, आपको क्या लगता है जिस तरह के ये बातें बोल रहे हैं कि मैंने गलत बोला, वो पिछड़ा समाज की नहीं थी, हालांकि मेरी गलती इन्होंने साफ तौर पर समझा दी कि मीडिया एजेंडा फैला रही है, मीडिया सब कुछ कर रही है, लेकिन हमने जो लोकतंत्र का हनन और हमने जो तस्वीरें देखी वो एक सिरे से जुटला रहे हैं, कह रहे वो तस्वीरें तो उस पर तो हो जाएगी कार्रवाई, लेकिन आपने जो बोला वो गलत बोला। देखिए पूरे मंच को सरदा धन्यवाद देते हुए पहले तो मैं निवेदन करता हूँ कि हम लोग जब भी चर्चा परिचर्चा में आते हैं तो थोड़ा सा हमें संयमित रहना चाहिए, और मैं आपके इन संज्ञान में डाल दूं कि भाजपा सरकार द्वारा पंचायत चुनाव में की गई धांधली और लोकतंत्र की हत्या के विरोध में हमारी पूरी पार्टी समाजवादी पार्टी 11 जुलाई को प्रदेश व्यापी ब्लॉक मुख्यालयों पर प्रदर्शन करने जा रही है, पहली बात। दूसरी बात, देखिए लोकतंत्र किसी एक राजनीतिक दल या राजनीतिक व्यक्ति विशेष से प्रभावित नहीं होता, ये एक व्यवस्था है जो कि संवैधानिक व्यवस्था है जिसमें कि बाकायदा इसके नियमों का प्रादुर्भाव किया गया है, और ये आज पूरा विश्व देख रहा है कि मर्यादा का चरित्र का पाठ पढ़ाने वाले ढोंगी और राजनीतिक ठेकेदार कैसे चीर हरण और नारी हरण होता रहे हैं। अब इसे आप राम राज्य कह लीजिए चाहे जंगल राज्य कह लीजिए, दोनों में फायदा सोची रणनीति के तहत मैं आपको बता दूं, एक इसमें एक तीर से दो शिकार भी हो रहे हैं, क्योंकि छवि तो नरेंद्र मोदी की ही होने वाली है, क्योंकि आखिर सिस्टम और भाजपा तो नरेंद्र मोदी कहे जाते हैं। बहरहाल जो पंचायत चुनाव में कल हुआ, मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ बताऊं, अभी शायद आपको एक और खबर का संज्ञान नहीं है, ये तो आपने बताया कि जिस तरीके से हमारे लखीमपुर पसगवां के ऋतु सिंह जी प्रस्तावक थे, अनिता यादव जी के, उनके साथ जिस प्रकार से लज्जा भंग और चरित्र हनन करने का प्रयास किया गया जी। उसी प्रकरण में आधी रात को महिला बीडीसी के जो बहराइच की प्रत्याशी है उनके पतिदेव बाकायदा जा करके हमारी जो प्रत्याशी है उनका अपहरण करने का प्रयास करते हैं, और विरोध करने पर उनके जेठ की बट से बंदूक की बट से पीट पीट करके हत्या कर दी है इनकी भाजपा की प्रत्याशी जो है वहां पे, मैं उनका नाम भी बता दे रहा हूँ, हमारी प्रत्याशी यदुराई देवी के पत्नी सुंदरलाल जी की पत्नी, उनके घर भाजपा प्रत्याशी सुधीर यज्ञसैनी सरकारी गण और समर्थकों के साथ गए, वहां उन्होंने महिला बीडीसी को उठाकर किडनैप करने का प्रयास किया है, जिसमें कि उनके जेठ के द्वारा प्रतिरोध करने पे उनकी पीट पीट करके निर्दन तरीके से हत्या कर दी गई। बहरहाल मुझे लगता है कि देखिए मैं हमेशा एक बात कहते आया हूँ, जिस प्रकार से पत्रकारों पे एटा में, जिस प्रकार से एबीपी के पत्रकारों पे 2 बार हमले, आप लोकतंत्र की आवाज दबा लीजिए। आप कहते हैं कि पुलिस वहां थी, पुलिस कार्रवाई करेगी, तो पुलिस वहां थी तो पुलिस ने मौके पे उपद्रवियों को क्यों रोकने का प्रयास नहीं किया? माता प्रसाद जी इस सदन के नहीं, इस पूरे प्रदेश के बड़े सम्मानित ऐसे नेता हैं, राजनेता हैं, जिनसे लोग शिष्टाचार के साथ राजनीतिक मर्यादा का पाठ सीखते हैं। और मैं आपको बताऊं, जैसे हमारे सम्मानित मंत्रियों में मैं कई बार कहता हूं कि अटल जी को आप याद कर लीजिए, या इस तरह के जो दिग्गज विभूतियां हैं, जब आप इस स्तर पे चले आए कि उनके साथ ही प्रकरण हो रहे हैं और आप उस पर भी मौन साधे पड़े हैं, लालजी वर्मा की बात कर लीजिए, मौन साधे पड़े हैं, मतलब हम छोटे प्रत्याशियों की तो बात ही नहीं करते, आपने तो राजनीतिक शिष्टाचार की पूरी सीमा को ही लांघ करके एकदम समाप्त करने का प्रयास किया। और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कीर्ति हमेशा कहता आया हूं, आपराधिक मानसिकता का नेतृत्व अपराधी ही पैदा कर सकता है, और पूरे राज्य में जो हो रहा है, क्या इलेक्शन कमीशन संज्ञान नहीं ले सकता? क्या मुख्यमंत्री को संज्ञान नहीं लेना चाहिए? क्या इस तरह से उपद्रव करने से नहीं चलता है? या तो आप निर्विरोध ही चुन लीजिए, वोट कराने का फायदा क्या है? ठीक है, मैं तो कह रहा हूँ पत्रकारों की हत्या करने का प्रयास हुआ है, जिस तरीके से बम लाठी गोलियां चल रही है, पुलिस खड़ी है लेकिन पुलिस के हाथ बांधे गए हैं। और आज तो मैं आपको ये बता दूं, बड़ा दुख होता है देख करके कि हम उत्तर प्रदेश को लोकतंत्र, मैं तो आपको सच बता दूं, लोकतंत्र तो खत्म हो चुका है, हम तो ये मान के चल रहे हैं कि कब जाने किस घड़ी किस समय हमारे ऊपर ही हमला हो जाए, तो हम तो उसकी तैयारी करके, आज तो ट्विटर पे देख रहा हूँ कि टैग भी चल रहा है, यूपी डीजीपी निकम्मा है, रिमोट से चलने वाली पुलिस संस्था चल रही है, रिमोट से पुलिस खड़ी है लेकिन सहायता नहीं कर रही, प्रयागराज नैनी में थाने के बाहर महिला बेहोश होकर के पड़ी हुई है,
ऐसी ऐसी वीडियो वायरल हो रही है, ऐसी ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जो कि मुझे लगता है इस भारत के 70 साल के इतिहास में कभी किसी ने नहीं देखी। विवेक जी शुक्रिया। और अंतरराष्ट्रीय पटल पे भारत की छवि धूमिल हो रही है। सूर्य कुमार जी आपको क्या लगता है जिस तरह से लोकतंत्र को इस तरह से हम लोग ने लोकतंत्र का हनन करते हुए देखा, हमने तस्वीरें देखी, बेहद दुखद थी। पत्रकारों तक पर हमले हो गए, बड़े बड़े पत्रकारों पर हमले किए गए, महिला के साथ क्या कुछ हुआ, हालांकि वो कौन से जाति से बिलोंग करती है ये मैटर नहीं करता है, लेकिन महिला के साथ इस तरह का उपद्रव। साथ ही साथ माता प्रसाद जी सम्मानित व्यक्ति हैं, वो कितने पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रह चुके, उनके साथ इस तरह का व्यवहार हुआ, उनकी पत्नी से वो पत्नी के साथ वो नामांकन भरने जा रहे थे और बीच रास्ते में उनका पत्र उनसे छीन लिया गया, गाड़ी तोड़फोड़ की गई, ये सब किसके द्वारा, क्या लगता है आपको, क्या आपने इससे पहले उत्तर प्रदेश में ऐसे चुनावों के दौरान इस तरह की हिंसा देखी थी? बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। बहुत ही अफसोसजनक और बहुत ही शर्मनाक ये प्रकरण हुआ, जिस प्रकार से कुछ गुंडा एलिमेंट ने घुस करके नामांकन के समय जो ब्लॉक प्रमुख का हो रहा था उसमें गड़बड़ी करने की, उसमें अपना पक्ष प्रबल करने की, दूसरे को रोकने की जिस तरह से कोशिश की, ये लोकतंत्र को बहुत शर्मसार करने वाली घटना है। हम लोग आप पार्टियों में क्यों हैं, किसी पार्टी में कोई है, किसी पार्टी में कोई है, वो इसीलिए है कि लोकतंत्र है। जिस दिन एक तरफा दबाव डाल करके चुनाव जीतने की बातें होने लगेंगी उस दिन लोकतंत्र देश का खत्म हो जाएगा। ये बहुत अफसोसजनक बात है। मेरी तो मैंने तो पुलिस के अधिकारियों से भी बात की, शासन के भी, चुनाव आयोग के भी अधिकारियों से बात की, खुद इसीलिए कि ये व्यवस्था है तभी तक आप हो। और प्रदेश का इतिहास आप देख लो उठा करके, जब जब इस प्रकार की अराजकता होती है तो उसका दुष्परिणाम होता है। कभी एक पार्टी होती है, कभी दूसरी पार्टी भी हो सकती है, लेकिन इस प्रकार से जिन लोगों ने भी ये गुंडागर्दी की है पार्टी को अपनी वफादारी दिखाने के लिए, चाहे वो भाजपा की तरफ से की, चाहे सपा की तरफ से की, चाहे बसपा की तरफ से की, किसी ने भी की, उसको मैंने पुलिस अधिकारियों से भी अनुरोध किया है और शासन के भी बड़े अधिकारियों से अनुरोध किया है कि इनको पूरी सख्ती से डील किया जाए, चाहे वो किसी भी तरफ से हो। ये गलत बातें हैं। और अगर प्रदेश में, देश में लोकतंत्र नहीं रहेगा तो आज जो लोग दुखी हो रहे हैं कल को पूरी तरफ से उनको दुख प्रकट करने का भी अवसर नहीं मिलेगा। बिल्कुल सूर्य कुमार जी, लेकिन मीडिया पहरेदार है ऐसी चीजों की कि वो किसी भी की तरफदारी ना करे, वो पूरी घटना की बातों को निष्पक्षता से बात को प्रस्तुत करे, और ये नागरिकों को देखना है कि वो किसकी बात में कितना दम है। मीडिया की तो बात ही मत करिए, आजकल तो ये बन चुका है कि अगर आपके पक्ष में बात कर रहे हैं तो दूसरा विपक्ष बोल देता है कि मीडिया उनके पक्ष में है, और अगर आप पक्ष की बात करते हैं तो विपक्ष आके खड़ा हो जाता है। तो ये तो मीडिया को लेकर इन लोग ने एक एजेंडा बना रखा है कि इस तरह से बोल देंगे तो बात हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, वहीं पे बात हट जाएगी। लेकिन डीजीपी और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का क्या, जब वो ऑर्डर देते हैं निचले स्तर के पुलिसकर्मियों, क्योंकि आपको जितनी सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त करनी आप करिए, आपको पूरी तरह से छूट दी गई है, लेकिन उसके बावजूद हमने देखा, तस्वीरें देखी हमने कि हिंसा हो रही है, मूक दर्शक बनी पुलिस खड़ी हुई है, पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है। बिल्कुल, एक महिला के साथ इस तरह का व्यवहार हो जाता है, पुलिस कहां थी उस समय, क्यों नहीं नामांकन वहां पर पत्र दाखिल करने पहुंचे, वहां पर पुलिस की पहरेदारी क्यों नहीं थी। ये भी बहुत ही अफसोसजनक बात है कि अगर इस प्रकार की घटनाएं जो आपने वर्णन किया तो उन पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों पर भी कठोर कार्यवाही होनी चाहिए जो जिनके सामने इस तरह की घटनाएं हों और वो न रोकें। ये बहुत ही अफसोसजनक बात है और उसकी सभी पार्टियों ने निंदा की है और सबको साथ आना चाहिए, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, सबको साथ आना चाहिए कि जो पार्टी के नाम पर अपने को ज्यादा वफादारी दिखाने के लिए गुंडागर्दी करते हैं, मारपीट करते हैं, गोली चलाते हैं, इन लोगों को सबको पकड़ के पहले जेलों में बंद करो, नहीं तो हमारी राजनीति को, हमारे समाज को ये सब दूषित कर देंगे, गंदा कर देंगे, और फिर लोकतंत्र की दुहाई देने वाला भी कोई नहीं बचेगा। तर्कों से, बातों से, कुतर्कों से हम गलत बातों को कभी न जस्टिफाई करने की कोशिश करें और ना उसके बहाने ढूंढने की कोशिश करें। यही पब्लिक हमसे उम्मीद करती है, यही व्यवस्था हमसे उम्मीद करती है, और तभी तक हम सब लोग सुरक्षित हैं। बिल्कुल, जब तक समाज में न्याय है, मर्यादा है, लोकतंत्र है,
अन्यथा फिर चीन में और हम में क्या अंतर रह जाएगा, डिक्टेटरशिप हो जाएगी और वो डिक्टेटरशिप अंत में अन्याय और सत्ता में बैठे लोगों का काम है कि अगर चुनाव होने जा रहे हैं तो उन्हें ये चीज दुरुस्त करने की जरूरत थी कि हाँ इस तरह का चीजें हो सकती हैं। बाद में कार्रवाई करने की बातें तो सामने आ रही हैं, लेकिन पहले अगर व्यवस्था दुरुस्त की होती तो शायद तक आज सवालों के घेरे में ना होते और इतना बुरा ना लग रहा होता। बिल्कुल अमित जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी और मैं ये एक बार फिर से सुनना चाहूंगी कि आप जो बात कार्रवाई की कर रहे हैं अब आज बैठ के, ये शायद तक आपने कल व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर लिया होता तो शायद तक अच्छा होता। दूसरा, अगर आपको ये चीज का डर लगातार सता रहा था कि ब्लॉक प्रमुख के चुनाव होते हैं तो इस तरह की हिंसा होती है, इस तरह के तनावपूर्ण स्थिति हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद जब डीजीपी ने और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने ये पीएससी तक तैनात करने के लिए बोल दिया था कि आपको जितना पुलिस फोर्स चाहिए आप लीजिए, आप पूरी छूट है आपके पास, उसके बावजूद इतनी हिंसा क्यों? देखिए, हिंसा की जहां तक की बात है, आप लगातार 2014 से जिस तरीके से समाजवादी चुनाव हार के चले जा रहे, चाहे 2014 हो चाहे 2017-19 हो और आज ये 21 में जिस तरीके से जिला अध्यक्ष चुनाव हो, फिर मुखी में जिस तरीके से हार का डर सता रहा है, निगासा में पूरी समाजवादी पार्टी, और आज ये इस हद तक उतर आए हैं कि अराजकता का पूरा माहौल इन्होंने उत्तर प्रदेश में पैदा करने का काम किया जिससे उत्तर प्रदेश की सरकार को बदनाम किया जा सके। आपने शायद सुनील सिंह साजन जो इनके एमएलसी, उनका बयान नहीं सुना, उन्होंने क्या कहा है और पूरा मीडिया में वायरल भी हो रहा है। उन्होंने साफ कहा कि भाजपाई की हैसियत क्या है, कहां से ये कब से गुंडे हो गए। उनका साफ है कि भाजपाई कहां गुंडे हैं, गुंडे तो हम हैं। आपने अखिलेश यादव का भी तो अमित जी ट्वीट पढ़ा ही होगा, उन्होंने कहा था योगी के गुंडे। सुनिए ना जी, योगी के गुंडे नहीं, सुनील सिंह साजन के बयान को सुनिए, देखिए। मैंने दोनों बयान सुने, नाम से तो ये लोग सपने में भी इनको योगी जी आते हैं, क्योंकि आज अखिलेश यादव 5 सीटों से ऊपर पढ़ नहीं पा रहे हैं, उनको जनता ने नकार दिया है। इनके कार्यकर्ता अपनी वाहवाही दिखाने के चक्कर में प्रदेश में माहौल बना रहे हैं। सुनिए मेरी बात, बिल्कुल मैं आपकी बात सुन रही हूँ, लेकिन आप मेरी बात का जवाब दीजिए, आप जवाब तो दीजिए। आपसे मैं जवाब ये पूछना चाह रही हूँ कि आप उत्तम प्रदेश की बात करते हैं, महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, पत्रकारों के लिए आप कहते हैं कि नहीं लोकतंत्र है, भैया हमारे पार्टी में भी लोगों तक को बोलने की इजाजत है, लोकतंत्र हम मजबूत कर रहे हैं, ये लोकतंत्र मजबूत कर रहे हैं, ये महिला सम्मान कर रहे हैं आप। देखिए, आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी महिला सम्मान की जो आप बात कर रही है, दुहाई दे रही है, अरे जो आज हमें मर्यादा का पाठ पढ़ा रहे हैं उनसे पूछिए कि वो कौन सा पाठ पढ़ाते थे जब मुख्यमंत्री जी स्वयं बलात्कारी मंत्री के प्रचार में जाते थे। आज तभी मायावती ने ये ट्वीट किया कि भाजपा के शासनकाल में हमें सपा के शासनकाल की पूरी तस्वीरें एक बार फिर से ताजा हो गई, तभी उन्होंने ये ट्वीट किया है। अरे सुनिए तो, मैं अपनी बात कह रहा हूँ, उपेंद्र तिवारी जी जिनकी माता जी करीबन 80 साल के ऊपर की है, उनकी माताओं पे, बहन पे, बेटी पर किस तरीके के समाजवादियों ने अभी 2 दिन पहले ही नारे लगाए पूरे देश। पूछ रहे कहां बेटी बहन बेची जाती है, भेजी जाती है। प्लीज विवेक जी और अमित जी, प्लीज मैं ये दोनों से कहना चाहूंगी थोड़ी शब्दों की मर्यादा, किसका क्या ट्वीट है हमें इससे मतलब नहीं, लेकिन आप शब्दों की मर्यादा बनाए रखें कि आप क्या इस समय कैमरे पे बैठ के बोल रहे हैं। बोलिए अमित जी, क्या तकलीफ करिए। कीर्ति जी, दुर्भाग्य है मेरा कि आज आप एक पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर मुझसे प्रश्न पूछे, लेकिन मैं जवाब दे रहा हूँ तो आप बीच में। मैं आपको इंटरप्ट नहीं कर रही हूँ अमित जी, मैं विवेक जी को चुप करा रही थी, प्लीज मैं आप कंटिन्यू रखिए। देखिए, मैं कीर्ति जी इतना ही कहना चाहता हूँ, मर्यादा जो आज हमें पाठ पढ़ा रहे हैं, मैं फिर पूछना चाहता हूँ उनसे कि जो शशि यादव ने इटावा में किया है, सरेआम गोलियां चलाने का काम किया उनका वीडियो, उस पर कार्रवाई करेंगे क्या? उस पर क्यों नहीं प्रश्न उठाए जा रहे हैं? क्या वो गुंडाई नहीं की गई है? जिस तरीके से इन्होंने मैनपुरी में 2 पुलिस वालों को गिरा के मारने का काम किया है, इनके कार्यकर्ताओं ने पत्थर फेंक के मारे। अब आप कहेंगे आप मुझे इंटरप्ट कर रही हैं, जब मैं जो सवाल आपसे पूछ रही हूँ आप उस पर जवाब दीजिए ना, आप बताइए ना, महिला की मर्यादा की बात करते हैं, लोकतंत्र की मर्यादा की बात करते हैं, आपकी लोकतंत्र मजबूत करने आए हैं हम, महिला सशक्तिकरण की बात आप करते हैं, तो वो महिला सशक्तिकरण और लोकतंत्र कहाँ गायब होगा? जब नामांकन पत्र दाखिल करने जा रहे थे लोग, तो वो कहाँ गायब हो गया? मैं ये जानना चाह रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ वो कौन लोग थे, मुझे नहीं पता वो किस पार्टी के थे किस पार्टी के नहीं थे, मैं जानना भी नहीं चाहती, लेकिन आपका लॉ एंड ऑर्डर इतना मजबूत क्यों नहीं था? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर योगी जी की सरकार में आपको शायद नहीं दिख रहा होगा मजबूत है, लेकिन मजबूत है किस तरीके से, जिस तरीके से 52 जनपदों से हिंसा की खबरें आई,
क्या हमें नहीं दिख रहा है? दुर्भाग्य है, देखिए इस तरीके से नहीं होता, बीच में सबके आप चुप हो जाती है, लेकिन मैं जब बोलता हूँ तो आपको, तो अमित जी आप ऐसी बातें कर रहे हैं, मैं कैसे आपकी बातों को ले लूं? आप बोल रहे हैं आपको दिखा नहीं होगा, सुनिए आप मत सुनिए, आप जो चाहेंगी मैं वो बोलूंगा, ऐसा तो नहीं होगा ना, आप जो मेरे मुंह से बुलवाना चाह रही हैं वो तो मैं नहीं बोलूंगा, जो मुझे, मैं आपसे जवाब चाह रही हूँ अमित जी, आप क्यों इतना भड़क रहे हैं, आप क्यों इतना हाइपर है, आप जवाब दीजिए ना, आप सही जवाब दीजिए, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ। मैं कीर्ति जी आपसे पूछ रहा हूँ, जब उपेंद्र तिवारी के नई के कार्यकर्ताओं ने जब अभद्र भाषा महिला और सम्मान में दी, आपने कितनी आवाज उठाई बताइए, आपके चैनल में कितनी आवाज उठाई? ठीक है विवेक जी, जवाब दीजिए, सम्मान नहीं था वो, महिला सम्मान नहीं था विवेक जी, आवाज उठ, आपसे सवाल पूछा जा रहा है, जवाब दीजिए। मैं जवाब दे रहा हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ। हमारे अमित भाई थोड़ा सा आज पता नहीं क्यों आक्रोशित हो जा रहे हैं बार बार, क्योंकि जवाब देने की बात है तो जवाब सही में तरीके से भी दिया जा सकता है। इन्होंने कहा अपराधीकरण, वाराणसी भाजपा कार्य समिति के सदस्य सत्येंद्र सिंह जी बहुत ही प्रसिद्ध हिस्ट्री सीटर है बनारस के, सुजीत सिंह 50 लाख से ज्यादा की रंगदारी के मामले है उनके ऊपर, ब्लॉक प्रमुख पद पे नामांकन कराते गए हैं उनका, देखिए बाकायदा ट्विटर पे यही बस विवेक फिर यही चलेगा, या तो आप उनपे आरोप लगा लीजिए, वो आप पर आरोप लगा ले, हो गया काम खत्म। मैंने मैं आरोप नहीं लगा रहा, मैं इंटरप्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं भी जवाब दे लूँ, अमित जी के जवाब सुन के मेरी बात सुन ले, इनके एक नेता के अभी आप नहीं नहीं विवेक जी सॉरी, मैं यहाँ पर किसी पे आरोप प्रत्यारोप लगाने नहीं बैठी हूँ, सवाल मैं कर रही हूँ, आप जवाब मुझे दीजिए। आज मायावती का ट्वीट साफ तौर पर आया कि सपा के कार्यकाल में भी इसी तरह की चीजें होती थी, और आज एक बार फिर से वो दृश्य ताजा हो गया, वो तस्वीरें सपा के शासनकाल की तस्वीरें ताजा हो गई, जिस तरह से भाजपा के शासनकाल में हमने ब्लॉक प्रमुख के नामांकन के दौरान देखा, तो कहीं ना कहीं उन्होंने आज आप पर भी निशाना साधा। नहीं, एक मिनट, मायावती जी का ट्वीट आया है, और मायावती जी के ट्वीट पे अगर आप चाहेंगे मैं आपको रीट्वीट कर दूंगा, मायावती जी के ट्वीट पे मैंने भी जब बकायदा जिम्मेदारी के साथ जवाब दिया है, और मेरे पास भी है, हाँ नहीं नहीं मैंने उनको जवाब भी दिया है बकायदा, और मैं यही कह रहा हूँ कि मायावती जी सवाल पूछने के लिए आज खड़ी हो गई है, आज वो मायावती जी आ गई अपनी जातिवाद जमीन तलाशने के लिए, लेकिन जब मुद्दों की बात थी, व्यवस्थाओं की बात थी, तब मायावती जी ना कहीं दिखाई दी ना कहीं सुनाई दी, और मायावती जी ने इस चुनाव से स्वयं को अलग रखा। मैं कहता हूं चलिए ठीक है, आप चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, कम से कम आप महिलाओं को जागरूक ही कर देते, महिलाओं को सुरक्षा ही दे देते, महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित सुझाव पहले दे देते, लेकिन मायावती जी आज आ गई क्योंकि मायावती जी को आज जो मोदी जी का कैबिनेट विस्तार हुआ है वो साफ बता रहा है कि मायावती जी की जमीन समाप्त है, क्योंकि मोदी जी का कैबिनेट विस्तार किस तरह हुआ वो सबको पता है। अगर आप ये बताइए ना, अच्छा ठीक है, आपका आपकी तरफ से आपके अध्यक्ष का ये बयान आया अखिलेश यादव जी का कि योगी के गुंडे, ये किस आधार पर बोला उन्होंने? देखिए बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर मुझे लगता है कि जिले के 52 जिलों में हिंसा के बाद 12-13 जो प्रमुख जिले हैं जिसमें कि पत्रकार भी पीटे गए हैं, पत्रकारों पे हमले हुए हैं, पत्रकार तो स्वयं बता रहे हैं उनके ऊपर हमले किसने किए, आप कह दीजिए कि जो पीड़ित था जो चोटिल है वो भी झूठ बोल रहा है, पत्रकारों ने स्टेटमेंट दिए है, अब आप कहिए कि वो योगी के गुंडे नहीं थे तो हम मान लेते हैं भाई, क्योंकि पत्रकार झूठ बोल रहा है, पत्रकार समाजवादी पार्टी की तरफ से बोल रहे हैं, अमित जी आरोप लगा देंगे, वो पीड़ित है मार खा करके उसकी हत्या करने का प्रयास किया गया, सर पे प्रहार करने का प्रयास किया, वो नाम ले रहा है, वो नाम ले रहा है बकायदा भी होगा, और आप कह दीजिए कि ये गलत है, हमारे हमारी बीडीसी सदस्य को इनके प्रत्याशी सुधीर रेड्डी चाहिए, अपनी सरकार की नाम बताइए, बकायदा घर से अपहरण करने का प्रयास करते हैं, देवेश राघव जी, अमित जी प्लीज, विवेक जी एक मिनट, देवेश राघव जी मैं बता दे रही हूँ आपको नाम पत्रकार का, हाँ बताइए, देवेश राघव जी जानते ही होंगे आप, कौन से चैनल से, क्या ये बताने की मुझे जरूरत नहीं समझती मैं, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, पीटा में आकाश जी, देखिए उनके ऊपर भी दीपक सिंह जी एक पत्रकार है, उन्होंने भी आरोप लगाया कि समाजवादी के गुंडों ने उनको पीटा है, आप जाइए उनके 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 पक्ष में कोई बात करेगा क्या, क्या प्रेम जी भी उनके पक्ष में कोई बात करेगा क्योंकि उनको समाजवादियों ने मारा। प्लीज एक एक करके विवेक जी और अमित जी प्लीज मर्यादा बनाए रखे, एक एक करके बोलेंगे तो समझ में आएगा, आप दोनों ऐसे भिड़ रहे हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया, लेकिन जिस तरह से हमने जो अराजकता देखी उस पर अमित जी सवाल आप ही से पूछे जाएंगे, क्योंकि सत्ता में आप हैं, सपा नहीं है सत्ता में, ब्लॉक प्रमुख के चुनाव को लेकर पहले से ये था, इसलिए मैं आपसे बार बार सवाल पूछ रही हूँ, ठीक है विवेक जी प्लीज, विवेक जी मैं आप पर आ रही हूँ जी, अमित जी कंप्लीट करिए, देखिए आज जिन्होंने गुंडों को पाला है, जिन्होंने 5 कालिदास पे गुंडों को बुला के सम्मानित करने का काम किया है, वो आज कानून का पाठ पढ़ाने का काम कर रहा है, आप लोग ट्विटर पर जो चीजें देख रहे हैं उसको दिखाने का काम कर रहा है, ठीक है खैर छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, मैं समझ गई हूं कि राजनीति के अलावा आपके पास
सुनिश्चित ठीक है विवेक जी और प्लीज अमित जी आप लोग के पास कोई जवाब नहीं निकल पाएगा सिर्फ राजनीति इसके अलावा कुछ नहीं। मैं आपको एक बात बता दूं जो राजनीतिक परंपरा ये शुरू कर रहे हैं मैं चाहूंगा कि ये परंपरा अगर आगे कंटिन्यू हो तो ये उस समय आकर के हाय रोना ना रोए क्योंकि जिस तरह की मिसाल ये कायम करने का प्रयास कर रहे हैं ये पूरे प्रदेश के भविष्य चली आ रही है आप भी जानते हैं विवेक जी आज का नहीं है ये एजेंडे आज के नहीं है ये बहुत पहले से चले आ रहे हैं लेकिन अराजकता आज नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गई बस दुख इस बात का है वरना ये सब चीजें बहुत पहले से उत्तर प्रदेश में होती चली आ रही ठीक है मैं सूर्य कुमार जी से सवाल कर रही हूँ प्लीज विवेक जी और अमित जी प्लीज सूर्य कुमार जी आपको क्या लगता है ठीक है विवेक जी और अमित जी प्लीज सूर्य कुमार जी आपको क्या लगता है जिस तरह से आपने अभी पुलिस फेलियर आपको लगता है जिस तरह से लोकतंत्र का हनन हुआ या फिर आपको लगता है सत्ता की तरफ से कहीं ना कहीं प्रेशर बनाया गया था इस वजह से सत्ता के दबाव में इस तरह से पुलिस वाले चुप्पी साधे हुए थे। देखिए जब बंगाल में इस प्रकार की घटनाएं हुई तो पूरे देश में उसकी आलोचना हुई कि हिंसा की घटनाएं राजनीतिक आधार पर नहीं होनी चाहिए और मेरा तो ये दृढ़ विश्वास है कि चाहे हमारे एक भाई साहब हों चाहे दूसरे भाई साहब हों सभी का हित इसी बात में निहित है कि पुलिस पूरी निष्पक्षता से पूरी दृढ़ता से समाज के हित में काम करे। गुंडे चाहे किसी के हों किसी ग्रुप के हों क्योंकि गुंडों का कोई दलवल नहीं होता जिस पार्टी की बहुमत देखते हैं वजन देखते हैं उधर ही घुस जाते हैं तो इसलिए इन गुंडों से सब लोग सतर्क रहें। पुलिस सुधार जो बहुत दिन से उसमें आंशिक रूप से लागू भी हुए लेकिन अभी बहुत से पुलिस सुधार लागू होने बाकी हैं कि जिससे 100% लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए एक निष्पक्ष पारदर्शी पुलिस व्यवस्था देश में लागू हो वो सबके हित की बात होगी। पार्टियां अब सत्ता में बदल सकती हैं लेकिन ये जो अगर स्वभाव रहा तो ये केवल आपने यूपी का इतिहास देखा यहाँ बसपा भी सत्ता में रही सपा भी अरे रही। सूर्य कुमार जी सीतापुर में एक घंटे तक गोलियां हथगोले चलते रहे बिल्कुल फिर पुलिस कहाँ थी एक घंटे तक मुझे ये समझ नहीं आता। बिल्कुल ये आप समझ सकती हैं कि जो पुलिस वाले वहां मौजूद थे अगर उन्होंने कोई ढिलाई की इसकी जांच लग गया पुलिस वालों को इसकी जांच होनी चाहिए कार्रवाई तत्परता से होनी चाहिए ताकि पुलिस वाले इस प्रकार ढिलाई न करें। मेरी आज चुनाव आयुक्त से भी बात हुई मैंने कहा कि एक टीएन सेशन थे जिन्होंने देश में इतिहास बना दिया और आज सब लोग बड़े सम्मान से गौरव से नाम लेते हैं कहां टीएन सेशन आपको याद होगा उसके प्रकार पहले किस तरह बूथ लूटी जाती थी किस प्रकार गोलियां चलती थी तो आज वो समय है कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए ये भी साथी आगे आवे वो भी साथी आगे आवे वरना बाद में एक दूसरे की बुराई 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 करके अंत में पूरा समाज बुरा हो जाएगा। बिल्कुल अमित जी क्या बोलना चाहेंगे आप लोकतंत्र की बात का हवाला आप ही लोग देते आए हैं सुशासन का लगातार आपने यही दावा दिया है कि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश में तब्दील कर देंगे। सीतापुर में एक घंटे तक गोलियां चली हैं। बहुत सम्मानित है उन्होंने अपनी सेवा दी है उत्तर प्रदेश को मैं जहां तक की उनकी बात जो भी पुलिस अधिकारियों ने इसमें अपनी ईमानदारी से भूमिका निभाने का काम नहीं किया है उनकी भी जांच होगी उन पर भी कार्रवाई करने का काम करेंगे। और मैं फिर कहना चाहता हूँ बड़ी जिम्मेदारी से भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता हो समाजवादी पार्टी का कोई कार्यकर्ता हो या कोई भी अराजक तत्व हो हमको उसके खिलाफ सबूत मिलेंगे हम कार्रवाई करेंगे हम पीछे हटने वालों में से नहीं है हमने प्रण लिया है कि हम प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाएंगे योगी जी उसी में लगे हुए हैं हम इस प्रदेश को बिगाड़ने में जो भी भूमिका निभाने का काम कर रहे हैं उनको बख्शने का कोई काम नहीं करेंगे और हम फिर से आपसे दोहरा रहे हैं कि न्याय होगा आप निश्चिंत रहिए कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई है जो लोग बाकी उन पर भी कार्रवाई जम से जम होकर उनको भी जेल के पीछे करने का काम सरकार करेगी। किन्हें गिरफ्तार किया गया था उसमें भाजपा के प्रत्याशी भी थे जिन्हें गिरफ्तार किया गया था। देखिए तो अब आप मुझे ये बताइए ना लोकतांत्रिक देश में अभी आपने कहा जो पुलिस वाले ऐसे होंगे एक मिनट सुन लीजिए विवेक जी एक मिनट मैंने आप सुनती नहीं है ना समस्या ये है अमित जी एक मिनट आप मेरी तो सुन लीजिए हम तो आपकी सुन ही रहे हैं आप मेरी सुन लीजिए एक मिनट आपने बोला पुलिस वालों पर होगा तो क्या आप राज्य के पुलिस महानिदेशक से इस्तीफा लेंगे इस चीज को लेकर
देखिए मैं सबसे पहले आपने भी एक बात कही जी। कि भाजपा के भी प्रत्याशी गिरफ्तार हुए, तो मुझे आप एक चीज बता दीजिए और मुझे एक बार, मुझे तो ध्यान में नहीं है लेकिन अगर आपके ध्यान में तो मुझे याद दिलाइएगा, कब सत्ता दल की सरकार में उसी दल की जिसकी सरकार है उसका प्रत्याशी गिरफ्तार हो जाता हो? जब भी पिछली सरकारों में चाहे बूथ कैप्चरिंग हुई हो चाहे जो, वहां पर उनको छुड़ाने के लिए काम किए जाते थे, लेकिन हमारे यहाँ भी अगर गिरफ्तारी हुई है तो किसी को बचाने का काम नहीं किया गया। अगर बचाने का काम कर रहे होते तो ये गिरफ्तारियां नहीं होती। इसलिए आप अगर लोकतंत्र की बात करिए तो इससे बड़ा लोकतंत्र मजबूत करने का प्रमाण और कुछ हो नहीं सकता। इससे ज्यादा बिल्कुल बिल्कुल बात है, बिल्कुल अमित जी, तो तस्वीरें हैं, लोकतंत्र को बेहद मजबूत किया गया, निर्विरोध जीते जीत हासिल हो जाएगी आपकी 300 प्लस सीटों पर। निर्विरोध जीतना अपराध है? निर्विरोध आप इससे पहले नहीं जीत गए, देश में नहीं जीता गया क्या चुनाव? 300 प्लस सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती है तो कुछ लोगों के पेट में दर्द होता है, जाहिर सी बात है, लेकिन अगर वो पेट में दर्द होता है तो मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ वो पेट दर्द आगे भी रहेगा। भारतीय जनता पार्टी निर्विरोध जीतेगी, जनता के आशीर्वाद से जीतेगी, लेकिन चुनाव जीतेगी क्योंकि जनता का आशीर्वाद मोदी जी योगी जी के साथ है। मैं आज आपको एक बात बहुत अच्छे से स्पष्ट कर दूं, सूर्य कुमार जी मैं आप पर आ रही हूं, मैं एक बात बहुत अच्छे से स्पष्ट कर दूं, मैं अगर इस कुर्सी पर बैठती हूं तो उसका मैं पूरा का पूरा सम्मान करती हूं और सम्मान के साथ मैं जनता की आवाज, जनता का दर्द सामने रखती हूं, किसी पार्टी की प्रवक्ता बन के नहीं बैठती हूं, ये आप सुनिश्चित कर लीजिए आज, और दोबारा इस तरह से मत बोलिएगा मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी, मैं सम्मान करती हूं इसलिए मैं आवाज उठाती हूं, बस जी सूर्य कुमार जी आप कंप्लीट करिए। आप जो सम्मान करती है वही जनता का सम्मान हम लोग भी करते हैं इसी में। तो आप सत्ता पक्ष में, मैं आपसे भी सवाल करती हूँ और दूसरे पार्टी से भी करती हूँ सवाल, ये आपने हमेशा देखा है, ये मैंने भेदभाव कभी नहीं किया है। बहुत अच्छी बात है कि सब लोग अच्छे संतुलित वातावरण में विचार विमर्श करें, वो एक दूसरे को न तो नीचा दिखाने की कोशिश हो और न ही किसी तरह गुस्से में अपने भाव कहने की बात हो। मैं निवेदन ये करूंगा इस चुनाव पर परिचर्चा तब तक पूरी नहीं होगी जब तक एक और पहलू जो छूटा जा रहा है कि ये अप्रत्यक्ष चुनाव जिनमें आपने सुना होगा वोटर खरीदे जाते हैं लाखों रुपए की उसको घूस दी जाती है कि हमको वोट दे दो, और ये वर्तमान सरकार ने भी ये प्रस्ताव किया था कि ये व्यवस्था बदलनी चाहिए लेकिन वो हो नहीं पाई क्योंकि कुछ कानूनी अड़चने उसमें आ गई। मैं तो ये कहूंगा कि हम लोगों को सबको एकजुट होकर एकमत होकर ये कहना चाहिए कि डायरेक्ट पब्लिक से इलेक्शन हो। बिल्कुल, मैं यही चाहती हूँ, मैं तो खुद कह रही हूँ अगर ये इलेक्शंस जनता से होने लग जाएंगे तो शायद इस तरह की अराजकता और इस तरह की चीजें हमें नहीं देखने को मिलेंगी। 10 तारीख को अमित जी फिर से चुनाव है, उसी दिन मतदान भी है, मतगणना भी उसी दिन होगी, इसी तरह की हम तस्वीरें उस दिन भी देखेंगे क्या, या आज से आज सुनिश्चित कर लेंगे कि लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत बनाना है ताकि मैं दोबारा ये सवाल आपसे ना करूं? देखिए नामांकन तक की चीजों को इस तरीके से समाजवादी पार्टी के लोगों ने अराजकता बनाने का माहौल उत्तर प्रदेश में करने का काम किया, जीत नहीं पाता में है, इनके पास कोई मुद्दे नहीं है, इस चीज को मानिए और खुद प्रदेश वीडियो वायरल हो रहा है ट्विटर पे बहुत तेजी से, 32 बीसीसी को संत कबीर नगर के अपहरण करके लखनऊ में रखा गया है, भाजपा के संत कबीर नगर से बेलहर ब्लॉक के अपहरण करके उनको ला करके अलग अलग बीडीसी को लखनऊ के होटल में रखा गया है और बीडीसी जो है किडनैप हुए, उन्होंने खुद ही वीडियो बना के वायरल किया है कि हमें यहाँ से बचाया जाए छुड़ाया जाए। विवेक जी अच्छा चलिए बता दीजिए इन जनपदों में जिस तरह से हिंसा हुई है इसको लेकर समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है? मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ बता दूं, सर के साथ मैं पूरी तरह सहमत हूं और 4 घंटे पहले आप मेरा ट्विटर पे ट्वीट दे सकती हैं जिसपे मैंने बाकायदा पुलिस सुधार को लागू करने के लिए ही कहा है, क्योंकि ये सारे चुनाव जिस प्रकार से पुलिस की अक्रियाशील प्रत्यक्ष प्रमाण सामने आ रहे हैं और जिस तरह से पुलिस एक पंगू की तरह से दिखाई दे रही है उसका कारण और कारण मात्र यही है कि पुलिस के ऊपर राजनीतिक दलों का प्रभाव। मैं शुरू से ये बात कहता आया हूँ, अमित भाई भी कई बार मेरे साथ रहे हैं डिबेट में, मैं कहता आया हूँ कि पुलिस को राजनीतिक दलों से और राज्य की संस्थागत इकाई मानते हुए निष्पक्ष रूप से इनको स्वतंत्र हाथ दिए जाए, लेकिन विडंबना ये समझ में नहीं आती है कि जब भाजपा की तरफ से कोई अपराधी पर्चा दाखिल करे तब वो वैधानिक हो जाता है,
और सपा समाजवादी पार्टी अगर अपने ऊपर किसी हमले का प्रतिरोध करे, जब समाजवादी पार्टी अपने ऊपर किसी हमले का प्रतिरोध करे तो वो आरोपित हो जाता है। ठीक है विवेक जी, यही दिक्कत है क्योंकि पीएससी तैनात करने तक की बोल दिया गया था कि आपके पास पूरी छूट है, डीजीपी ने ये आदेश दिए थे, उसके बावजूद इस तरह की अराजकता जब होगी तो उसके बाद तो मैं कुछ कह ही नहीं सकती। इन्होंने क्यों नहीं लागू किया भाई, क्यों नहीं लागू किया? इलेक्शन कमीशन क्यों सो रहा है आप बताइए? दो दो बार हमारा प्रतिनिधिमंडल मिलने गया, चुनाव आयुक्त कहते हैं कि वो बीमार हैं, उनके सेक्रेटरी को देना पड़ा हमें ज्ञापन। तो ये सोचने वाला विषय है ना कि जब जिम्मेदारी गायब हो जाएंगे जिम्मेदारी के समय तो आप बात किससे करेंगे भाई, अपनी समस्या आप किसके सामने रखेंगे? हम तो चाह रहे हैं, हम तो अमित भाई पे का आरोप ही नहीं लगा रहे, बल्कि इनकी इनकी बातों को देख करके इनकी बॉडी लैंग्वेज से तो ये लग रहा है जैसे चुनाव जीतते हुए भी इनके अंदर हताशा दिखाई दे रही है। भाई आपको तो संयमित रहना चाहिए, आप तो पत्रकारों को ही घेरने का काम कर रहे हैं। अब जो चोट लगी है जिसको, जो जिसका सर फूटा है कीर्ति जी, जिसके ऊपर हमला हुआ है, जिसकी हत्या करने का प्रयास हुआ, वो झूठ बोलेगा? मतलब पत्रकार अगर इनके खिलाफ बोलते तो वो झूठ, अगर पत्रकार यही समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता का नाम ले लेता तब ये कार्रवाई करते। मैं सिर्फ ये चाह रहा हूं कि संवैधानिक तरीके से जो संवैधानिक मर्यादा है उसका शिष्टाचार से पालन करते हुए 10 तारीख को ऐसी हिंसा ना हो। जो गलतियां हो गई उनको सुधार की दिशा में लेते हुए कम से कम 10 तारीख को इस तरह से अराजकता का माहौल न दिखे, क्योंकि ये बहुत गलत संदेश जाता है पूरे देश को लेकर के, पूरे प्रदेश को लेकर के। और ये बात जान लीजिएगा, इससे अराजकता के साथ एक अनुशासन भंग होता है पूरे प्रदेश के लोगों का। 10 तारीख को चुनाव है। देखिए जी, देखिए विवेक जी, आप उसकी चिंता मत कीजिए, 10 तारीख को चुनाव भी संपन्न होंगे और भारतीय जनता पार्टी आप सुन लीजिए। अब मैंने आपकी बात सुनी थी और जहां तक विवेक भाई अभी बता रहे थे कि एक प्रक्रिया के तहत सारी चीजें हो जानी चाहिए थी, बिल्कुल हो जानी चाहिए थी, हुई भी। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, आप जिस आज जिस तरीके से प्रश्न पूछ रहे हैं, कम से कम आप उसका जवाब दीजिए ना, आपको तो शोभा नहीं। पूछ रहा हूँ, मुझे बताइए तो कि मर्यादा का पाठ पढ़ाने वाले राम राज्य के कार्यकर्ता दुशासन कैसे बन गए? अरे दुशासन बन गए, आपने तो था महाभारत लागू करने पे तुले हैं, राम राज्य के बारे में आप तो दुशासन बन गए। आपके कार्यकर्ता बकायदा बताइए इस तरह से चीरहरण कर रहे हैं और आपके योगी जी के मुंह से आवाज नहीं निकल रही है, ये कौन है भाई? आप संवैधानिक शिष्टाचार लागू करने का प्रयास कर रहे हैं? सही नहीं जी। देखिए विवेक जी, आपने बहुत अभी यहाँ मर्यादा के पाठ पढ़ाए, मैं आपको सभी यादों लड़ाई का अखाड़ा बनाने लग गए। प्लीज एक एक करके बात करिए, समझ में आएगा जी। अमित जी बोलिए। आप मर्यादा का पाठ पढ़ा रहे, पुलिस को भी, पुलिस की भी व्यवस्था सुधरी जाए, बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपकी सरकार के, मतलब बात कीजिएगा, आपके प्रत्याशी जो इटावा के हैं शशि यादव, उन्होंने खुलेआम फायरिंग की, उसका वीडियो आपके पास ना हो तो मैं दे दूं, उस पे कार्रवाई कब करेगी समाजवादी पार्टी? आपके मंत्री जब हमसे पूछेंगे कि हमारे कार्यकर्ता एक दूसरे पर आरोप पढ़ते रहिए, अपने कॉलर को वाइट दिखाते रहिए, विवेक जी और अमित जी प्लीज। ठीक है, मैं समझ गई हूँ कि आप एक दूसरे पर ही आरोप मढ़ेंगे। ठीक है विवेक जी, अमित जी, लास्ट प्रश्न मेरा आपसे यही है, सिर्फ और सिर्फ मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, जिस तरह के आपने दृश्य देखे, क्योंकि जब भाजपा सत्ता में आई थी और सत्ता में आने से पहले भी उनका नारा यही था, राजनीतिक शुचिता बना के रखेंगे, भ्रष्टाचार दूर करेंगे, गुंडा राज को हम हटा देंगे, क्योंकि उनको लगता था सपा पार्टी में गुंडा राज चल रहा है। ठीक है, साथ ही साथ मॉडर्न पुलिसिंग की बात करी, महिला सुरक्षा की बात करी आपने, उसके बावजूद जब अध्यक्ष पद के चुनाव हुए तब भी आपने देखा अपहरण से लेकर लूट से लेकर हर वो चीजें सामने आई, करा जिसने हो मुझे उससे मतलब नहीं, सत्ता आपकी है सुनिश्चित करना आपको है। ब्लॉक प्रमुख के चुनाव हुए, महिला के साथ किस तरह से व्यवहार किया गया, एक पूर्व अध्यक्ष के साथ किस तरह से व्यवहार किया गया, अपहरण हुए, पत्रकार को पीटा गया, इस तरह की हिंसा को लेकर जवाबदेही सत्ता की बनती है। बस कीर्ति जी, जी अमित जी, मैं फिर कहना चाहता हूँ आपसे, सत्ता की बनती है तो तभी तो सत्ता के अधिकारी और सरकार कार्रवाई कर रही है, पिछली सरकारों की तरीके से हम किसी को बचाने का काम नहीं कर रहे। आप अपने मुंह से इस चीज को बता रहे हैं कि प्रत्याशी भाजपा के भी गिरफ्तार हुए हैं, अगर भाजपा के प्रत्याशी गिरफ्तार हुए तो आप बताइए किसी सरकार में उसका प्रत्याशी गिरफ्तार होता है, मुझे बताइए जी। हिंसा फैलाते हुए गिरफ्तार हुए हैं अमित जी,
हिंसा, चलिए मैं आपकी भी बात मान लेता हूँ, हिंसा फैलाते हुए अगर गिरफ्तार हुए हैं तो कार्रवाई हुई ना, ये लोकतंत्र की खूबसूरती है ना। तो यही लोकतंत्र की खूबसूरती है कि पहले इस तरह से लोकतंत्र का हनन है। आप देखिए कीर्ति जी, हनन आप नहीं तय करेंगी। इस उत्तर प्रदेश में गुंडों की हैसियत बताने का काम योगी जी ने किया है, पिछली सरकारों की तरीके से नहीं कि पांच कालीदास बाग में बुला के और हेलीकॉप्टर भेज कर उनको चाय भी पिलाया जाता था, तब इस मीडिया की आवाज नहीं उठी। चिन्मयानंद जी जैसे लोग जो मसाज करवाते थे बच्चों से, बच्चों की उम्र के बेटियों से, उनको संरक्षण देने का काम आप ही लोग कर रहे थे। और उसके साथ मत भूलिएगा कुलदीप सिंह सेंगर, पूरे पीड़ित के परिवार की जान ले ली आप लोगों ने। आप बताएंगे विवेक जी, आपने कितने गुंडों पे कार्रवाई की, आपने तो पनपाया। आइए बेरोजगारी पे बात करेंगे, किस मुद्दे पे बात करेंगे आप बताइए ना, जिम्मेदारी किसकी है। आपने फिर वही बात दोहराई अमित जी, माफ करिएगा, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी ये चीज। सवाल करना मेरा हक है और मैं सवाल करने के दायित्व से सवाल कर रही हूँ, ये मेरा हक है, मेरे अधिकार को नहीं छून सकते आप। सूर्य कुमार जी, ये जो हुआ आपको लगता है क्या मीडिया गलत सवाल कर रही है? या अभी तक मैंने जो सवाल किए क्या वो गलत थे? देखिए, स्वस्थ विचार विमर्श में ना तो उग्र होने का अवसर होता है और ना ही आक्रोशित होकर एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाना स्वस्थ परंपरा है। स्वस्थ परंपरा विचार विमर्श की यही है कि अगर हमसे कोई बात पूछी जाती है तो हम उसका जवाब दें, और अपने ऊपर जो आक्षेप आरोप लगाए गए हैं उनका स्पष्टीकरण बताएं कि नहीं, हमारा ये मामला है, ये हमारा कहना है। लेकिन ये जो परंपरा चली है कि अगर हम पर कोई बात आएगी तो हम उसका जवाब न देकर दूसरे पर आरोप लगाने लगेंगे, इससे विषय का जो मूल बिंदु होता है वो घूम जाता है, डाइवर्ट हो जाता है। तो मैं निवेदन करूंगा कि सब लोग स्वस्थ विचार विमर्श के हित में अपना अपना पक्ष रखें, और उस पर जो एंकर हों वो अगर प्रश्न पूछें तो उस पर बताएं कि हाँ ये कहना है, और किसी को ये ना लगे, और एंकर को भी ये ध्यान रखना चाहिए जिससे भी पूछ रहे हैं उस पर पूछें, और ये ना लगने लगे कि हम किसी की तरफदारी कर रहे हैं। तरफदारी नहीं सूर्य कुमार जी, लेकिन जवाबदेही तो सत्ता की बनती है ना। खैर ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। हालांकि जिस तरह से लोकतंत्र का हनन हुआ और जिस तरह से हमने देखा कि कितना ज्यादा ब्लॉक प्रमुख के चुनाव के दौरान नामांकन दाखिल करने गए लोगों के साथ मारपीट की गई, सीतापुर में एक घंटे तक गोलियां चली, पुलिस कहां नदारद थी, कहां गायब थी, आंख मूंदे क्यों थी, सत्ता का संरक्षण था या पुलिस फेलियर था, ये तमाम जवाब अभी भी अधूरे रह गए, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें घूम फिर कर आ जाती है मीडिया जो सवाल करती है। हालांकि मैं फिर सुनिश्चित करना चाहती हूं कि मीडिया का जवाब पूछना, सवाल उठाना, उनको जवाब देना आपका अधिकार है और आपको ये करना जरूरी है, इसलिए मीडिया यहां है और मीडिया लगातार ये सवाल उठाती रहेगी कि क्यों लगातार निरंतर पत्रकारों पर हमले हो रहे हैं, ये सुनिश्चित करना सत्ताधारियों का दायित्व बनता है। बहुत बहुत शुक्रिया, हम फिर हाजिर होंगे देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के साथ, तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्राइम टीवी। लोकतंत्र और संविधान की हत्या हो रही है, ये धज्जियां उड़ाई जा रही बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को, बीजेपी को कभी माफ नहीं करेगी ये जनता।